हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये पोटैटो और ब्रेड रोल। तो इसके लिए हमने पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें आज हमने डाला है मैगी मसाला, जिसमें हम आलू को फ्राई करेंगे, और उसमें डाली हमने ग्रीन चिली। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोज, जो कि हमने पहले से बॉइल करके रखे हैं। उसको अच्छे से मैश कर लेना है, चाहे तो आप इसमें डाल के मैश कर लें, या फिर बाद में पहले से मैश कर लें। फिर हमने इसमें डाल दिया है नमक, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा या ज़्यादा, जिस आपको पसंद है खाना उतना डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है ग्रीन चिली और हल्दी पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी सब्जी ऐड की है, जैसे कि ऑनियन ऐड किया है, कच्ची प्याज डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी, और फिर हम डालेंगे धनिया पत्ती, ढेर सारी धनिया पत्ती डालेंगे, क्योंकि इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। धनिया पत्ती पड़ जाती है किसी चीज़ में भी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अब हमने ले लिया है ब्रेड, और ब्रेड के किनारों को हम जो है अच्छे से निकाल देंगे सारे के सारे। सारे किनारों को निकालने के बाद हम इसको जो है थोड़ा सा पानी लेंगे, और ब्रेड के जो किनारे हैं वो जो है, मतलब ब्रेड के जो पीसेस हमने किनारों को कट किया है वो पीस लेके इनको हम डालेंगे पानी में, और जो है थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। पानी में हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। इनको पानी में डालने के बाद हम ब्रेड को डिप करेंगे, और इनको तुरंत ही निकालना है, ज़्यादा देर तक इनको डिप करके नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ही मतलब बिल्कुल पिचपिचे हो जाएंगे और आपके ब्रेड क्रम्स बनेंगे नहीं। बस इसमें आलूओं को रोल करना है और इसमें भर देना है, और ब्रेड को ऐसे चारों तरफ से दबा देना है अच्छे से। ब्रेड को दबाने के बाद इनको रोल कर लेना है, बस इनको हल्का सा डिप करना है, आपको ज़्यादा इनको डिप नहीं करना, और पानी को प्रेस करके पूरा निकाल देना है इस तरीके से। और आलू की जो फिलिंग है वो इसमें भर देंगे। बस ये हमारे सारे ब्रेड बन के तैयार हो गए हैं रोल। अब हम इनको कर लेंगे बिल्कुल डीप फ्राई। आपके जो है स्नैक्स ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, आप इनको थोड़ी सी सब्जियां मिला के भी फ्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी। तो बस इस तरीके से हमने सारे ब्रेड के रोल्स को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है, और डीप फ्राई करके इनको हम लोगों ने निकाल लिया है किसी पैन में, सॉरी प्लेट में, और फिर इंजॉय किए हम लोगों ने चटनी से या सॉस से, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप भी बनाएंगे अपने घर में और इंजॉय करिए इस ब्रेड रोल को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब।